सहयोग की शुरुआत एक स्त्री से हुई थी जो बढ़कर आज सागर स्वरूप हो गया है, लेकिन इससे अभी महासागर होना है। इसी महानगर में ये महासागर हो सकता है, ऐसा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आज आपको मैं सहयोग की पादयिता तथा कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को क्या लाभ होता है वो बताना चाहते हैं। माँ का स्वरूप ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई कड़वी चीज देनी हो तो उस पर मिठाई का लेपन कर देना पड़ता है, किंतु सहयोग ऐसी चीज नहीं है। सहयोग पे लेपन भी मिठाई का है और उसका अंतर्भाग तो बहुत ही सुंदर है। सहयोग जैसे आपने जाना है, सहज सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा जो योग का आपका जन्मसिद्ध हक का है वो आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने परी कोर्ट में कहा था कि जन्मसिद्ध हक हमारा स्वतंत्र है, उसी तरह हमारा जन्मसिद्ध हक स्वतंत्र को जानना है। ये स्वतंत्र हमारे अंदर परमात्मा ने हजारों वर्ष संजो कर प्रेम से अत्यंत सुंदर बना के रखा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होकर आपका जब संबंध इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि से, उनके प्रेम की शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब योग साध्य होता है और उसी से जो कुछ भी आज तक वर्णित किया गया है, जो जो संतों ने वर्णित किया हुआ है, जो मार्क्स ने कहा, जो बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने कहा, उस परमात्मा के साम्राज्य की आपको प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ आप ही के अंदर स्थित जो सुंदर रचना है उससे घटित होता है। आज आपसे मैं, जैसा कि इन्होंने बताया था, कुंडलिनी के माध्यम से हम कैसे नानाविध लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और दूसरी बात, एक विनती भी है कि जिससे हमारा आज तक कभी हित हुआ ही नहीं, और अगर हित ही हमारे लिए सबसे उत्तमोत्तम चीज है तो सब की छोड़ करके हमें अपने स्वार्थ में उतरना चाहिए। स्वार्थ का अर्थ भी हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सुंदर बताया है, स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है, लेकिन हम स्वार्थ को उल्टी तरह से समझते हैं। जिसने स्व का अर्थ पा लिया वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ पाते ही जो कुछ स्वयं के लिए हितकारी है वो तो होता ही है, और स्वयं से निगड़ित जो सब कुछ है उसका भी हित हो जाता है। सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होना जब शुरू होता है तो श्री गणेश मूलाधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं प्रतीक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते, उनका उधर मन ही नहीं जाता, वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते, सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज छीन लेना, किसी को
भूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। इसका उदाहरण मैं, हमारी जो नातिन है छोटी सी थी, एक 5 वर्ष, तब वो लोग उनके माता पिता उन्हें लद्दाख ले गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चोगा होगा पहन करके बाल मुंडा उंडा के बैठे हुए थे। ये बिहार के रहने वाले हैं लोग, तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा करके इन महात्मा जी के पैर छू रहे और माँ बाप भी संकोच में जाके उनके पांव छूने लग गए, तब उनसे रहा नहीं गया। छोटी सी थी, जाकर के उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले पे बैठे थे उनकी और ऐसी गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडा कर और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे हैं, आप पार तो नहीं है। 5 साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना। ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि रमन हो गए हैं, उनके 100 साल की वर्षगांठ पर मुझे लोगों ने अपने यहाँ अतिथि बुलाया था। उस वक्त मैं बैठी हुई थी मंच पर और सामने की रो में मेरी दूसरी नातिन बैठी हुई थी, तो वहां से मेरे पास एक साहब बैठे थे बड़ा सा चोगा पहन करके, और वो वहां से बड़े पंडित माने जाते थे, बंबई के बड़े भारी पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे। वहां से खड़े होकर कहती है, नानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ, इससे इतनी गर्मी आ रही, हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। और उस माहौल में बहुत से सहयोगी भी बैठे थे, वो भी कह उन्होंने भी हाथ हिलाया यूं करके कि हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है, उनको यहाँ से हटाओ। इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र है, इतने सत्य प्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच पर बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें धर्म की दृष्टि आ जाती है कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अब वो बता सारी चालाकी होशियारी ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती, तभी कुंडली जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं, और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं, और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है। अब जब कुंडलिनी उठ करके आपके स्वाधिष्ठान चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है, सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। एक साहब मेरे पास आए, कहना मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं, पार तो हो गया। तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों नहीं करते। उनका भाई मुझे तो लकड़ी कौन सी लकड़ी क्या ये मालूम है, मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं। मैंने कहा तुम करो तो सही। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन किया, उसमें लाखों पति हो गए। मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज को, किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखिए, अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही है तो समझ लेना चीज बन गई, और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना। पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बनाते गए और चीज सुंदर ही बनती गई, कहीं भी वाइब्रेशन ने उन्हें रोका, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहां गर्मी आ रही है, यहां कोई तकलीफ हो रही है। वो सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे, गणितज्ञ है, कभी जन्म में कविता क्या उनको मालूम नहीं, वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है। जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी इन्होंने चित्रित नहीं किया, वो ऐसी सुंदर आकृतियां और ऐसे सुंदर विषय पर इतने शुभदायी चित्र बनाते हैं कि सोचता है ये कहां से, रवि वर्मा फिर से आ गए क्या इस संसार में। क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है
और वो तत्व है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि जो मनुष्य की होती है वो बाह्य होती है, लेकिन जब वो पार हो जाता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसको कोई अश्लील भद्दी सस्ती चीज अच्छी ही नहीं लगती, वो जो भी चीज बनाता है एकदम गहन बना के रख देता है। उसको समझने वाला भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। जैसे विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुआ, और इस कवि ने सहजोग के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी पता पूरा उस बारीकी से दे रखा। इस विलियम ब्लेक की जो कुंचली है उसने ऐसी चीजें बना के रखी है कि सिर्फ उसे सहयोगी ही समझ पाएगा या कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष उसे समझ पाएगा। उन्होंने आज्ञा चक्र इतना सुंदर बनाया, परमात्मा को बनाया जो दबा रहे हैं आज्ञा चक्र को ऊपर से कि किसी तरह से खुल जाए ये चीज, लेकिन वो कौन समझ पाएगा। उसमें यही देख रहे हैं लोग कि मसल्स कैसे बनाए हैं जो परमात्मा को दिखाया, उसका नाक कैसा बनाया है, उसका मुंह कैसे बनाया, उसकी पूर्ण आकृति का जो कोएफिशिएंट है उससे कितना शुभ आ रहा है। जब मैं लंदन पहुंची तो सर्वप्रथम मैंने कहा कि विलियम ब्लेक की 100 वर्षगांठ है, उसमें एग्जीबिशन उसे जाना है। तो सब लड़के कहने लगे कि माँ आप तो कोई एग्जीबिशन वगैरह जाती नहीं। मैंने कहा इसमें तो जाना है हमें। जब वहां पहुंचे तो सारा वातावरण इतना सुंदर लग रहा था, सब तरफ से बहुत सुंदर चैतन्य की लहरियां बह रही थी और जैसे संगीत था मुझे लग रहा था। लेकिन विभत्स लोगों की आंखें विभत्स होती, वो वहां दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि कौन नग्न दिखाया गया है, कौन किस तरह से भद्दे ढंग से खड़ा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सौंदर्य था ही नहीं जिसको हम वहां उपभोग ले रहे थे। अब आप जानते हैं कि प्रदेश में लोगों की दृष्टि बहुत खराब हो चुकी, वो तो किसी भी चीज में अश्लीलता के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकते, उनकी दृष्टि इतनी अधोगति से चली गई। लेकिन आज मैं सहयोग में देखती हूँ सहयोगियों के तरीके, उनको एक वृद्धस्त्री है बैठी हुई उसमें तक इतना सौंदर्य नजर आता है, हृदय का सौंदर्य देखने की जो महानता है वो उन लोगों में बड़ी ही कुशलता से पता नहीं कैसे बाहर प्रदर्शित होती है। और मुझे आश्चर्य होता कि ये लोग जो इतनी कुत्सित नजर से संसार की ओर देखते थे आज एक गौरव से देख रहे हैं कि देखे संसार क्या है। आपने सुना होगा कि मोनालिसा नाम का एक पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया और जो कि पेरिस के बड़े वाले लूव्र के प्रदर्शनी में रखा हुआ है जहां अनेक लोग जाते हैं उसे देखने के। मैंने एक दिन कहा कि आप जाके देखना कि मोनालिसा जो है उसे वाइब्रेशन आते हैं, इतने सालों से बनी हुई चीज उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। उसकी कोई बड़ी आजकल की मॉडर्न सिनेमा स्टार जैसी नहीं, काफी भरभक्कम शरीर है उनका और उनके मुख पर एक हंसी है, एक सादगी है और हजारों लोग इतने दिन से उसे देखने आ रहे हैं। मैंने कहा आप भी जाके देखिए उसमें क्या चैतन्य की लहरियां आती या नहीं। जब ये लोग पेरिस गए उनका माँ अंदर घुसते ही इतने वाइब्रेशन हमें आ रहे थे, हम तो अभिभूत होकर देखते रहे, हमने कितने बार इसका चित्र देखा हमें कभी ऐसे लगा नहीं। फ्रांस के लोग जो कि माहिर है कुत्सितता में, जो कि बहुत ही गंदी बातों में उलझे हुए, उनके साहित्य और उनके तौर तरीके इतने गंदे हैं कि उनसे कुछ सीखने का ही नहीं। मैं तो उनको कहती थी कि आपका तो बाथरूम कल्चर है पूरा, आप पूरे बाथरूम कल्चर के लोग और आपको कोई बात नहीं आती। लेकिन आज वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं और इतने सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर हो गए हैं कि आश्चर्य लगता है कि जैसे ही उनके अंदर आत्मा का दीप जल गया तो इतने प्रेम के शुद्ध स्वरूप में शुभ अशुभ के विचार से प्लावित वो इतने कीचड़ में बैठे हुए ये कमल पता नहीं किस तरह से खिलकर सब दूर सुरभित हो गए। ये तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे कुंडलिनी के आने से होता है जिसको संगीत नहीं सुनाई देता। अब जानते हैं आप कि बहुत से लोग क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद करते, अब ये तो ओंकार से आया हुआ
हमारा भारतीय संगीत है। हम लोग बहुत लड़ते हैं कि हम भारतीय भारतीय हैं, जिसको अगर हमारे यहाँ का संगीत नहीं समझ में आता मैं तो उसको भारतीय किसी प्रकार भी नहीं मान। इस मामले में हम लोग हमेशा विदेशों से और दौड़ते हैं, उनसे हम उनका संगीत सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस घराने, इस महान योग गुरु ने इतना ऊंचा संगीत हमें दिया, उसको हम समझ नहीं पाते। हमारा लेक्चर हो रहा था दिल्ली में, अमजद अली साहब भी सहयोगी हैं, जब से समय सहयोगी हो गए बहुत बदल गए और उनकी सारे बजाने में भी बहुत फर्क आ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया आधे लोग उठ के चले गए। हम तो माँ को सुन आए थे, मैंने कहा भाई मैं ही तो बोल रही हूँ, अमजद अली क्या बजा रहा है, मैं ही इसमें बोल रही हूँ, बैठो तो सही। जिसको संगीत का जरा भी शौक नहीं है उसको सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा आपको शौक लगेगा कि चाहे संगीत कार उठ जाए आप नहीं उठे। ये हाल इन हमारे सहयोगियों का है। आज देश विदेशों में जहां जहां सहयोग पहुंचा है हजारों के तादाद, जहां भी होंगे कोई म्यूजिशियन आए, भीमसेन जोशी आप जानते हैं, पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र के बड़े भारी गवैये हैं, जो कि श्री और मारवा जैसे राग कि जो बड़े बड़े जानने वाले भी तंग आ जाते हैं, श्री मारवा में जम जाते हैं और उसके स्थाई पर बैठे हुए आराम से पूरा मारवा का बांधा देखते हैं जैसे कि कोई इमारत अंदर बन रही है। ये असली भारतीय है, इनको मैं असली भारतीय समझती हूँ, जिनका ओंकार से संबंध है। जो ओंकार से भरा हुआ संगीत जो भारतीय से समझते हैं। अभी चिट्ठी बाबू आए थे दक्षिण से, उनका संगीत सारे सुनते विभोर। महाराष्ट्र में तो कोई जानता भी नहीं कि साउथ इंडियन म्यूजिक क्या होता है, थोड़ा बहुत तो थ्योरी में जानते हैं, लेकिन सारे महाराष्ट्रियन और सारे प्रदेश के लोग और सब बैठे रहे उनके कान सुनते हो, उनका बजाना देखते हो, वो खुद है ना कि इसको तो मद्रास में लोग नहीं मिलते जो यहाँ बैठे माँ आपके सुन रहे। उस सूक्ष्मता में मनुष्य उतर जाता है जहाँ संगीत का, कला का, किसी भी सर्जन का, क्रिएटिविटी का जो गाभा है, जो उसका अंतरंग है, उसे पकड़ लेता है, जहाँ आनंद टिका हुआ। वो कैसे होता है? क्योंकि तो जब आप कोई भी राग सुनते हैं, कोई से भी गाना सुनते हैं, कोई सा भी संगीत सुनते हैं, या आप कोई नाटक देखते हैं, या कोई नृत्य देखते हैं, कोई भी चीज होती है, तब आपके अंदर विचार की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। जैसे आज माँ आपका बोलेंगी अब ये नृत्य चला, मतलब आप अगली बात सोचने लग गए, या आप ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने नृत्य किया अब इनका कहीं और नृत्य क्यों ना किया जाए, बड़ा अच्छा नृत्य किया, ये किसने नृत्य किया, हर तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इस बुद्धि की छानबीन होनी और वो भी इस बुद्धि से, तो सारा आनंद उसका खत्म हो गया। जब आप किसी चीज के और देखकर सोचने लगे तो उस चीज को बनाने वाला जो कलाकार है उसने जो कुछ बनाया और उसमें जो आनंद उंडेला है वो सब खत्म हो गया, आपके विचार ही चलते रहे एक के बाद एक। कोई सी भी सुंदर वस्तु है, जैसे कोई सुंदर सा बना हुआ कालीन, जब उस कालीन की ओर हम नजर करें तो अगर हम देखते रहें, बस देखते रहें और ये ना सोचें कि कितने का आया, कहां से आया, क्या हुआ, इसको कैसे ले लें, तो उसका जो आनंद है, उस कलाकार ने जिस आनंद से उसे बनाया था, वो पूरा की पूरा ऊपर से गंगा जैसे बहने लगता, गंगा ऊपर से बहता। ये सिर्फ आपके साक्षात्कार के बाद घटित होता है, क्योंकि आप निर्विचार में समाधिस्थ होने से आप उसको पा सकते हैं। आगे चल करके हम नाभि चक्र पे आते हैं। नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं, जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की, माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा, जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो, तब उसने कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। ये खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई
तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारी हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते हुए तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पाश में पशु है, उनके लिए कोई पाप नहीं। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है, और यही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर दी। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करें। यहां पर जो कुछ सहयोगी आए हैं इससे कहीं अधिक प्रदेश में भी है और कहीं अधिक और जगह। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। अगर इंग्लैंड में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहां भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया, दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो, अपने आप हटा। मैंने कुछ नहीं कहा। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष है, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं, एक गुरु के पास गए जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिरते, तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वाधिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वाधिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहुंचा। पहले तो और जगह भी खोजता है, सप्ताह में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता है, जब वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा ले। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहे। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूं क्या ये मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे जेब से ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, वो उसी के पीछे लोग चले जाते। जब आपका गुरुधर्म टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है। तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूं, जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है गत है वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड को चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स हैं जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल नहीं, ये साइकोसोमैटिक है।
आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अति उसको इस्तेमाल करते हैं, माने इस तरह से कि सवेरे आप उठे, उठते ही साथ अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगे, स्पीडोमीटर है वो खिलने लग गया, इसको मारा उसको मारा, दुर्घटना हुई, ये वो, अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा करें किंतु सेंसेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ है कि सनसनी खेस चीजों के, उस सनसनी बिचारा आपके पेट में जो बैठा हुआ ये स्पीडोमीटर है, इससे असर कर जाता। उसके बाद उठे, जल्दी जल्दी भागे, आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़े और जाए, तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें आप परेशान परेशान पहुंचते पहुंचते दफ्तर में पहुंचे, कब पहुंचे पहुंचे, वहां से फिर परेशानियां, खाना ठीक से खाया ना, दीदी ने ब्रेकफास्ट दिया, मुंह में ठूसते हुए चले जा रहे, ये सब चीजें आपको पता नहीं कितने नुकसान दे, इससे ब्लड कैंसर होता है। पहले जमाने में इस बांग्लादेश में भी पति खाना खाने बैठता था, आराम से नहा धो करके इत्मीनान से बैठते थे और पत्नी पंखा झलती थी, धीरे धीरे खाना परसती थी, उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाते थे, इत्मीनान से खा करके और फिर वहां जहां जाना है जाते थे। लेकिन अब तो वो चीज रहने गई, वो तो अब चलता नहीं, अब तो इतनी जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ कि अभी दौड़े यहां वहां से दौड़े वहां वहां से दौड़े वहां, इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, जिसको कि आपके रेड ब्लड कॉर्पसेस जो रक्त की पेशियां होती हैं उनको बनाना पड़ता है, वो पगला जाता है उस पागलपन में, जैसे कहते हैं गोस क्रेजी, और उस पागलपन में उसको समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को किस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं। अब ये वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपके कैंसर में, इस वक्त ब्लड से कोई सी भी काली विद्या से कहिए, भूत विद्या से कहिए, या गुरु प्रसाद से कहिए, या और किसी तरह की ऐसी चीजों से कोई सी भी चीज आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित हो जाए। अगर कोई माँ इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है फिर कल और कुछ बनाना है, पति को वश में रखने के लिए औरतें यहाँ बड़ी होशियारी से काम करती है, तरह तरह के खाद्यान्न बनाना है, इसका प्लानिंग करना है उसका प्लानिंग करना है, उनके बच्चों को भी हो सकती है, अगर वो उस वक्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकता है, अगर कोई बच्चा हो भी गया ठीक ठाक पैदा तो उसके पीछे लग गए, उठो भाई सवेरे उठो जल्दी जल्दी करो, चलो जाने का है स्कूल में जाने का है, वो बड़े मुश्किल से एडमिशन मिला, वहां इतना रुपया भर्ती किया, ये सारा समाज ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं, इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है। हम तो इत्मीनान में बैठे रहते और इत्मीनान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती, सब चीज ठीक ठाक चलती हमारे विचार से, तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे। अब इसका इलाज कैसे होता है? इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्थापित हो जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, शांति पूर्वक सब देखते रहता है, देखते रहता है और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। जैसे अब हमें तो जाना है प्रेम में और बाकी सब परेशान है कि आपको जाना है, चलिए चलिए आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़, भाई मैंने कहा जाना मुझे क्या आपको है, मुझे जाना, आप क्या बहुत एंशियस है कि मैं जाऊं, तो छोड़िए आप मुझे जाने दीजिए मैं आराम। अब कभी कभी मजाक भी हो जाता है कि बस जल्दी पहुंचे वहां, देखा क्या कि प्लेन अभी 8 घंटे लेट है, मैंने पहले ही कहा था कि क्यों इतने जल्दी से आ रहे हो घर से, आराम से चलो, पहले पूछ लिया होता।
लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है, जो हड़बड़ हमारे अंदर है, एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण से आंगन बन जाते, जिससे कैंसर आप पे असर कर जाते। अब लंदन में हमने 3-4 लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया, तो मैं ये नहीं कहूँ कि मैंने किया, उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत हुई वो ठीक हो गए। लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ से एक आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनको जब हम समझाते हैं कि ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही, किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं। आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए। हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है। पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं सूक्ष्मता की, आपके यहां भी अभी कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं, न मानते भी शायद न हो, कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है, इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स है उनको संभालना पड़ता है, मैंने लीवर हुआ, आपके पैंक्रियाज हुआ और स्प्लीन और किडनीज आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है। इसके अलावा ये जो सर में, इसे मेंदू कहते हैं, जो मेद से बनता है, ये जो ब्रेन हमारे सर में है, इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर, पेट की जो फैट है उसको परिवर्तित करके ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है। ये उसका मुख्य काम नहीं है, एक और काम है। लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है, आगे की सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करता है वो करता है, सरसबल की खोपड़ी सोचती रहती है, तब ये कार्य एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है। खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहां बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए, तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लीवर है उससे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती। कि डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन, माइग्रेन माइग्रेन कोई चीज है नहीं, सब बेकार की बातें। इसमें सिर्फ आपका लीवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से अगर पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, ये तो राइट साइड की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। सहयोग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं, तो जब प्रेरणा तक प्रेरणात्मक जो विचार आता है उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं, एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है, इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज अभी इस वक्त इस क्षण ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर इसी के कस पे हम कूदते रहते हैं, हमारे पूरे समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है, और उस वक्त बेचारा स्वादिष्ठान मेहनत करके और इस मेद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता। फिर आपको डायबिटीज होता है, डायबिटीज भी इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्ठान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी, नहीं तो क्या ये वो पीने की चाय है या दूध है, इतनी चीनी खाते किसी को डायबिटीज नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है? और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं उनको क्यों होता है?
इनको ये बीमारी क्यों होती है? वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, इतने सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब सीजर में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे, अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ मैं पागल हो जाऊंगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए, पर अब उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनी निगलेक्ट हो गई, किडनी को आपने देखा नहीं, उसको संजोया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियां होंगी। अनेक बीमारियां इसलिए होती है, और सहयोग से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियां भाग जाती और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में हो करते हैं। जैसे कि जहां जहां लोग पैसे वाले हो जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, वहां वहां वो अजीब पागलपन में घूमते हैं। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूर्ख हो जाते हैं, इडियट, या वो नहीं है तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने चार पांच बच्चे ही मार डाले। तो समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आपसे आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में जाए। उन लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतों ने भविष्य की कभी ऐसे ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बात नहीं है, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहां पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हैं। 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियां करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठे। ऐसे समाज तैयार हो जाता है, ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, मैंने किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुलके कोई जाकर के बड़ी सी मोटर ले जाकर के किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, इससे वो लोगों को दान देती है और एक हाथ से आश्रय देती है, और दो हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि दो हाथ में कमल है गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके। इस कमल का यह अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भंवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं और काला कभी न आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुना लेता है। वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है, लेकिन पैसे वाला मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती। अगर किसी गधे के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है? लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये चार गुण मनुष्य में होने चाहिए। इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है, तब मनुष्य खोजने लग जाता है, और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है। जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सबका खंडन करती, मार डालती है, उनको निपात कर देती, खत्म कर देती, उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1971 में 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावसी जहांगीर हॉल है, मैंने खड़े होकर एक एक इन दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पड़े थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्त बीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़। मैंने कहा मारे सही, हाथ तो उठाए मेरे ऊपर, लेकिन किसी ने भी अखबार में
या किसी ने भी किसी कोर्ट में जा करके बलि नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य की बात। तो वहां जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, वो कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ है। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी, हर्ष तो नहीं? स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, इसको कि भ्रमरम्बा कहती है, वो भ्रमर बनाते हैं, इसको कि मेडिकल साइंस में व्हाट यू कॉल देम एंटीबॉडी, व्हाट यू कॉल देम इन द मेडिकल साइंस एंटीबॉडी, व्हाट इट, क्या करें, हाँ, उनों का उलट उलट नाम है एंटीबॉडीज। क्या हुआ, बड़ा जो भी हो एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है और ये जो होती है, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी, ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए, लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर मां का प्यार उमड़ पड़ता है, अपनी मां को भी पहचानता है। हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है, उसे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं करता। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं, इसे क्या मतलब है। गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण, एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ, स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं, स्वस्थ। जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है
और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या हो। इसमें कोई चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं, जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है, ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता, या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती, क्योंकि उसका जो मातृत्व है यही हिल जाता है, मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, क्या चाचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है, वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, इसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें गत त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है, हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट से है, और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है, हमारे घर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे से पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं, पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती, अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है ब्यूरोक्रेट्स, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए है, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा होते हैं। श्री राम जो है वो सॉक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते हैं, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सॉक्रेटिस से वर्णित कर रखे हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है, और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी, तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा क्यों भाई, पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना, उसमें आपको वो पैसे खाते हैं, पैसे क्या खाते हैं, उनको खाना वाना भेज दो, पैसा क्यों, वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे हैं,
श्री राम के लेने श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसमें से कई लोग हैं उनको इस कदर गुस्सावार होता है कि इस चोर को पकड़ो उस चोर को पकड़ो उस चोर को पकड़ो एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धक्कड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम लुप्त हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया था उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के देश इतने प्रेम से खाए इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर के चप्पल उतार करके जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे सारे महाराष्ट्र में। हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े, वो श्री राम अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब लक्षात माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति भी उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई यह संस्कृति। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जा सकता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है लेफ्ट हाथ, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव के हो जाते हैं, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का उन्हें सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती, आप शुष्क इंसान हो जाते हैं। ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा नहीं, तो उठ के मारने को दौड़ेंगे, बात करने को जाए तो खाने को दौड़ेंगे। एक शुष्क व्यक्ति आपको जाती, और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। एक साहब थे, इनका था धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे। शास्त्री जी की मुझे बात याद है, वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा। हम लोगों के नाम ऐसे हैं करुणा सागर, और हाथ में लख लिए करुणा सागर जी खड़े हुए जो है उसको तड़ाता है मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण यह है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया, लेकिन उनके जो अनुचर थे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं, स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीजें करती तो ठीक है, उस माँ को भी जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके और राम की पादुकाएं लेकर के दिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी। पर इस देश की माँ ऐसी नहीं, और इस देश में कुछ एकाद ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए
कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो या जिसने माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला हो, और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी है, मनुष्य को क्यों होती है, क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है, अतिकर्म में जब बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छुइए, अभी कोई छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, ये जिसके सामने झुक गया, गलत लोगों के सामने, तो हाथ में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा आत्मा क्या चीज है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती है, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं, किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं, जो अनधिकार चेष्टा करता है, ऐसे आदमी के पास जा करके हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तब ही आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है। जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा, मैं तुझसे रुष्ट रहूंगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियां छूट सकती हैं, नहीं तो नहीं छूट सकती। एक महाशय हमारे पास आए थे, वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए, उन्हें पूछे लग गए, माँ हमारे हमारे हाथ की हमें तकलीफ है अंजाना की, और हम जा रहे हैं हूस्टन, तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा, अगर आप मेहरबानी करें। हमने कहा अच्छा आ जाइए। पुणे में हमारे पास आए, पुणे में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए। हमने कहा अच्छा। उनकी जो हमने कुंडली ने जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उसे तो फिर से हार्ट अटैक आ गया, और मैं उठ के चल गई, मुझे दूसरी जगह जाना, जैसे कहते हैं ना रमते राम वैसी। जब मैं बाहर जाने लग गई तो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लग गई कि माँ ऐसे कैसे छोड़ के जा रही। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक हो गया, मैंने कहा जाओ दिखाओ। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहा भाई ये तुम्हारे ही एक्सरे थे क्या, और अच्छे घूम रहे आजकल। ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका चित्त जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो। पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी, वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे, और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे। जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट की शुद्धि और हार्ट इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाना की बीमारी हो जाती। लेकिन अगर आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं खींचता है, परमात्मा की कृपा से कहिए, पूर्व जन्म के सुकृत से, किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता है, ये तो पाखंडी है, ये तो झूठा है, ये तो ढोंगी है, इसके पास नहीं जाने का मुझे, तब हृदय सच रहता। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है? आत्मा संतुष्ट है आपसे, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागृत होगी और आप पटाख से पालेंगे, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आज समय बहुत हो गया है, लोग भी शायद परेशान हो गए, विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, हर एक चक्र पे ही बोलना चाहिए। विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें 16 कलाएं हैं, इसी प्रकार 16 सबप्लेक्सेस जिसको कि हम पंखुड़ियां कहते हैं हमारे अंदर, और जो कुछ भी हमारे अंदर आई आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉवल्स कहते हैं वो है, वो सारे इसके बीज मंत्र। जिस वक्त आप कोई गलत मंत्र कहते हैं
तो वो मंत्र के वजह से कोई गलत इंसान का की प्रेतात्मा यहाँ के बैठ जाती है। जब आप गलत पूजन करते हैं, गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जा करके और दीक्षा लेते हैं, तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है। ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं, उसमें से विशेषकर जो बीमारी होती है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं, जो आपके कंठ के पास शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर बढ़ता हुआ सारे आपके लंग्स को पकड़ लेता है। भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे, गले में कुछ पहन लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे राम अरे राम अरे राम, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना, अंतर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है। जैसे सवेरे उठिए उनसे बात करिए, माफ करो माफ करो माफ करो, भाई क्या हो गया, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक से तो बात करो। सुबह से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड, भाई काय के लिए अफ्रेड, आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो? तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है, वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गए। और यह विष्णु माया का स्थान है, ये विष्णु माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है, जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी यह चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है, चाहे जो भी हो उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा, माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। और फिर रात दिन यही यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो तुम पापी हो, तो मनुष्य सोचने लगता है कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती है, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है, गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीज़ों से लेफ्ट की शुद्धि पकड़ी जाती है। और कहना चाहिए कि आज भी सबकी वही ज़्यादा पकड़ी हुई है, सिगरेट पीने से तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट की शुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट की शुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो विठ्ठल का स्थान है, श्री विठ्ठल का स्थान है, इसको विठ्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान, इस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की, इतनी घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है, ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़े देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो, ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता।
हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अब थोड़े बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र है, मिथ्या है, वो कोई चीज़ है नहीं, तो अपनी छाया के साथ लड़ता है। उसे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को और यह स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा है। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जो अभी नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताए आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाए जिनकी आज्ञा चक्र बहुत ज़बरदस्त चलेगा और जिनकी अहंकार बहुत बढ़ जाएगा वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे कॉन्शियस माइंड से तो कर नहीं पाए, ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे। और जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने दो चार पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए। तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने भाई हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है, जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता, फिर यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता। ये आपकी स्थिति है, जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांग जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ स्वादिष्टान जब जकड़ा जाता है तो आँख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। आप सब समय नहीं इसे मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, इसको ग्लिंट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती है। इतनी शुद्धाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती है। उस आकृति की काटछाट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है। उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है। उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आए तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा, ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है,
ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़े देवी महात्म्य में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है, न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहयोगियों के हैं, उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं, ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर नाम से ही जन्म संसार में लिया और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है। यह आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं। ईसा मसीह की सिर्फ दो उंगलियां ऐसी रहती हैं, ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है उसको हिब्रू में येशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम येशु ही होगा, उनको येशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम येशु लेते हैं। अब ये ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है, और जब मैं वहाँ कृष्ण की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रही। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज़ खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि हजार पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके हजार इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां और दो कम है तो उसे झगड़ा करेंगे 998। उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं इस तरह से दिखाई देता है। कमल सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं उसमें से निकल करके और सहस्त्रारियों खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेजती है कुंडलिनी वैसे ही हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो खींच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खा लिए कुंडलिनी ने और आपके अंदर की जितने भी कुसंस्कार थे सब खा लिए और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाने। कभी कभी विशुद्धि चक्र खराब होने से हाथ में नहीं महसूस होता, पर विशुद्धि ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है। उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताएंगे। अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके कि आपने मेहरबानी से इतने देर बैठ करके सारी बातें कुंडलिनी के बारे में जानी। ये ज्ञान हमारे मूल का है जिसको सारे संसार को आज जरूरत है, वो हमें उन्हें देना है। उनको गणेश सिखाते सिखाते तो 7 साल बीत गए और उसके बाद उनको विष्णु जी सिखाते सिखाते और 7 साल बीत गए। 12 वर्ष का तो वनवास मैंने कर लिया और पता नहीं और कितना वनवास करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग सुसज्ज हो जाएं तो आप इनको ये सारी बातें बहुत सुंदरता से समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो शिकायत की वो ठीक है कि मैं सिर्फ 3 ही दिन के लिए आई यहाँ पर और मुझे और दिनों के लिए आना चाहिए। अब जब भी आऊँगी तो कम से कम 15 दिन यहाँ रहूँगी।
आशा है आप लोग बड़ी तादाद में आएंगे, किसी खुली जगह जमीन पर ये काम बहुत अच्छा होता है। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इतना सुंदर सभागृह बना है। ठीक है, यहाँ भी हुआ, पर जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि चाहिए कि माँ का द्वार सबके लिए मुक्त होना चाहिए, और वहाँ जितने तादाद में लोग आए उतना ठीक है। मुंबई में तो हम लोग एक बड़े भारे हॉकी ग्राउंड में ही प्रोग्राम करते हैं, 7 से 8 हज़ार लोग आते हैं, तो वहाँ कौन से हॉल में बिठाएंगे उन्हें। हर जगह इसी तरह से करने से हमने देखा है कुंडलिनी का जागरण भी आसानी से हो जाता है, और आप लोग भी इसको मान्य कर लें कि कोई सर्वसाधारण जगह में बैठ करके ही ये कार्य किया जाए। इतनी आलीशान चीज़ की कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है, मिल गई तो नसीब और नहीं मिली तो भी कोई हर्ज नहीं। एक सर्वसाधारण जहाँ पर कि हम लोग सब जमीन पर बैठ करके और इस कार्य को करें, वही मेरे लिए ठीक है। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि कृपया अपने जूते पैर से उतार दें, और मोजे भी उतार दें अगर मोजे पहने। बहुत सहज सरल विधि है कुंडलिनी के जागरण की। उसको कोई विशेष द्राविड़ी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से ये कार्य घटित होता है। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी इसका जागरण कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कल कि ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये हमारी क्रिया शक्ति है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे आप मेरी ओर ऐसे करें, जिसका मतलब ये होगा प्रतीक रूप से कि आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, और ये वाला हाथ जो है इसे आप हृदय पे रखें। यह हाथ पूरी समय मेरे ओर रहे, दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। हृदय में आत्मा का स्थान है जैसे मैंने बताया, पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है। उसके बाद नीचे में स्वाधिष्ठान चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है, इससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं, और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं या किसी अगुरु से आप प्रशासित हैं तो वो भी इससे साफ हो सकता है। उसके बाद फिर यही हाथ ऊपर की ओर जाता है, फिर आप ये हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं, उसके बाद इस जगह ये सबसे ज्यादा चक्र सबका पकड़ता है, पता नहीं क्यों, इस जगह रखें और गर्दन को ऐसे मोड़ा। उसके बाद ये हाथ यहाँ माथे पर इस तरह से आज्ञा चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके, और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी। उसके बाद हाथ को तान करके उसका तलवा सर के यहाँ तालू पर इस तरह से जमा करके, और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा, और 7 मरतबा इसे घुमाना होगा। इससे आपका ब्रह्मरंध्र का छेदन हो जाएगा। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे, आराम से सहज आसन में जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे।
अब ये हाथ मेरी ओर कर लें, आंख बंद कर लें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें, आंख बंद कर लें, हार्ट पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें तीन बार, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ। तीन बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ। तीन बार सवाल पूछें। अब दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। ये गुरु तत्व है। यहां पर प्रश्न करें दूसरा जो बड़ा मूलभूत है, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं। तीन बार ये सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं। तीन बार सवाल पूछे। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा जाए और दबाया जाए। इस जगह हाथ रख के कहा जाएगा, कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। छह मर्तबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहाँ आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है, तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। ये 10 मर्तबा कही, 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व है हमारे अंदर। अच्छा चलो, अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूँ,
श्री माता जी मैं आत्मा हूं, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूं, 12 मर्तबा कहिए। पूर्ण विश्वास से कहें। अब ये जाना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए उनके क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें, और राइट हैंड से पकड़े और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दें, गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं, पूर्ण आत्मविश्वास से कहें श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब अब इस हाथ को राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाएं और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहाँ पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब ये ना सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आखिर आप करें चाहे न करें आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब ये हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहें कि परमात्मा मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहें, इसमें फिर से अपनी गलतियां ना गिनिएगा। अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमाए, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मर्तबा।
अब हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खुली। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी जो आज पहली मर्तबा आए, विशेष करके कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए अब इस हाथ को, नाभि चक्र की पकड़े लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये ब्रह्म शक्ति है, श्री माता जी क्या ये प्रभु प्रेम की शक्ति है, क्या ये ऋतंभरा प्रज्ञा है। 3 बार पूछिए। अब आप हाथ नीचे लीजिए, किस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए। आप मेरी ओर देखकर विचार ना करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार ना करें। आप जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो, ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोग तो हो गए पार, देखिए सबके सब लोग पार हो गए। Why don't you turn the light? फिर से हाथ ऊपर करिएगा, देखें कितने लोग हैं, मुझे लाइट पे दिखाई देगा। Just turn the light. देखिए अधिकतर लोग पार हो गए, कुछ लोग हैं नहीं हुए, कोई बात नहीं। आप लोग अब ये जो फॉलो ऑन प्रोग्राम है उसमें ज़रूर ज़रूर आइए। यहाँ पर डॉक्टर तलवार हैं और डॉक्टर रुस्तम बरजोर जी हैं, डॉक्टर वॉरेन हैं, और भी सहयोगी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, डॉक्टर बगदान हैं, डॉक्टर डेविड हैं, ये लोग सब यहाँ ठहरे हुए हैं आपके लिए और पूर्ण आप पर मेहनत करेंगे। और इसके अलावा हमारे सहयोगी कलकत्ते में भी बहुत अच्छे हैं, सब आप पर मेहनत करेंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि आप भी दूसरों को दे सकें। अब ये जानना चाहिए ये क्या कार्य सोचने विचारने से नहीं हुआ है, कुछ भी करने से अक्रिया में हुआ है, इसलिए इस पर कोई वाद विवाद विचार नहीं करना चाहिए। शांत चित्त से घर जाएं और अपना ध्यान यहाँ रख करके और सो जाए। इसके बाद यहाँ पर किताबें हैं, उन किताबों को आप लेते जाइए, उसमें हमारा फोटो भी है। आश्चर्य की बात है कि फोटो में भी चैतन्य की लहरियाँ हैं, उसको इस्तेमाल करिए जब तक ज़रूरत है, उसके बाद आप स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी शक्तियाँ हैं सब आप अपने अंदर धारण कर लीजिए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई गौरव की बात नहीं है।